दोस्तों अगर आप भी धोनी और पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बनकर रो पड़े ऋषभ पंत, लेकिन धोनी के चरणों में अपना यह अवार्ड समर्पित करते हुए इस खिलाड़ी ने आज धोनी पर जो कहा ना वो सुनकर आपके दिल में इज्जत पंत के लिए 100 गुना बढ़ने वाली है। आज आखिरकार दोस्तों ऋषभ पंत ने अपने बयान में धोनी पर क्या कहा, उन्हें अवार्ड देकर उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पंत और धोनी में इस वक्त का बेहतर विकेटकीपर बैट्समैन कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 में आंखें तरस गई थी एमएस धोनी को मैदान में देखने के लिए। इनफैक्ट धोनी को 307 दिन लगे मैदान में आने के लिए, लेकिन जब मैदान में आए तो गजब ढा के रख दिया। आपको बता दें कि आईपीएल 2024 का ये 13वां मुकाबला था जो दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच में खेला गया। मुकाबला बड़ा ही जोरदार था, दिल्ली को जीत की भूख थी तो चेन्नई को भी हैट्रिक लगानी थी अपनी जीत की और पॉइंट्स टेबल में दबदबा बरकरार रखना था। लेकिन दिल्ली की शुरुआत मानना पड़ेगा ताबड़तोड़ रही। पृथ्वी शॉ ने कमबैक किया, 27 में 43 लगाए और वार्नर भी 35 में 52 रन लगाकर गए। और अच्छा लगा कि पंत का कमबैक हुआ जो 32 बॉल में 3 छक्के लगाकर 51 रन की पारी खेलकर गए। 191 इस टीम ने बनाए और चेस करते वक्त जब मैदान में चेन्नई के खिलाड़ियों को देखने का मौका मिला तो लगा ही नहीं कि भाई चेन्नई की टीम है। दिल्ली की टीम के खलील अहमद के सामने गायकवाड़ और रचिन रविंद्र 1-2 पर आउट हो गए। इसके बाद मुकेश कुमार ने एक ही ओवर में शिवम दुबे, समीर रिजवी को भी आउट किया। इनफैक्ट बीच में अक्षर और मुकेश कुमार, अजिंक्य रहाणे और डेरेक मिशेल को भी 45-34 पर आउट कर गए थे। ये बहुत पहले ही साफ हो चुका था कि चेन्नई इस मैच को हार रही है क्योंकि 30 गेंदों में लगभग 90 रन के आसपास चाहिए थे। लेकिन तब 200 मैदान में वो खिलाड़ी आता है जिसका इंतजार हर किसी को था, एमएस धोनी, जो 10 गेंदों में 2 चौके 1 छक्का लगाकर 17 रन बनाते हैं और एक ऐसा अद्भुत छक्का लगाते हैं जो देखकर पंत भी हैरान थे। खैर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस मैच को जीता और जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने कमबैक करने वाले कप्तान ऋषभ पंत। और दोस्तों ऋषभ पंत ने जीत के बाद ना एमएस धोनी के लिए जो कहा वो वाकई में सराहनीय है, दिल जीतने वाला है और आपको भी सुनना चाहिए। आपको बताया दोस्तों कि धोनी को अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देकर ऋषभ पंत ने अपने बयान में कहा, इस दिन का इंतजार मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, अपनी टीम में लौटना, कप्तान बनकर टीम को जिताना। यकीनन तौर पर पिछले दोनों मुकाबलों के लिए भी हमने इतनी मेहनत करी थी लेकिन जीत नहीं पा रहे थे, मेरे बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। और यकीन मानिए आज मैच से पहले एक इंसान ने मेरी सबसे ज्यादा मदद करी और वो और कोई नहीं बल्कि एमएस धोनी ही थे। एमएस धोनी विरोधी टीम के खिलाड़ी जरूर है लेकिन वो जानते हैं ऋषभ पंत का कमबैक नहीं हो रहा तो उसे क्या बोलना है, किस तरीके से पॉजिटिव बनाना है। और सच बता रहा हूं धोनी भाई से बात करने के बाद ही मेरे बल्लेबाजी में इतने रन निकले, पले ही मैं ऑफ द मैच बन गया, चेन्नई की टीम हार गई। लेकिन असल मायनों में ना ये अवार्ड मुझसे ज्यादा धोनी भाई डिजर्व करते हैं क्योंकि वो ना सिर्फ मेरी बल्कि मुझ जैसे कई युवा खिलाड़ियों को हर आईपीएल में मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। उन जैसा खिलाड़ी वाकई में कोई नहीं है और 307 दिन बाद आज उनको बल्लेबाजी करता हुआ देखकर वाकई में रूह खुश हो गई है। उम्मीद है वो ऐसे ही स्वस्थ रहें और अगला आईपीएल भी खेलें। दोस्तों पंत ने वाकई में धोनी को अवार्ड देकर जो कहा ना वह दिल जीतने वाला, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, धोनी की बल्लेबाजी देखकर तो लग रहा है कि वो पूरी तरीके से फिट हैं, क्या उन्हें अगला आईपीएल खेलना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।